कारवल भारत के बिहार राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। यह जिला पहले जहानाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, परंतु कुछ समय के बाद सन 2001 में इसे एक नए जिले का दर्जा दे दिया गया। यह जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अरवल जिले की स्थिति की बात करें तो अरवल जिला बिहार राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है। अरवल जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल औरंगाबाद जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला, भोजपुर जिला और पटना और रोहतास जिला हैं। सोन नदी के किनारे बसा अरवल जिला राज्य की राजधानी यानी पटना से 69 किलोमीटर, वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली से 1009 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 638 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अरवल जिले की कुल जनसंख्या 8,65,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की कुल जनसंख्या 4,48,000 है तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या 4,16,000 है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से अरवल जिले में 90.48% हिंदू, 9.17% मुसलमान, 0.44% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से अरवल जिले की कुल साक्षरता दर 68% है। जिले में मौजूद प्रमुख शिक्षण संस्थान SSS गोदानी सिंह महाविद्यालय, फतेहपुर सांडा महाविद्यालय, RCS कॉलेज जैसे कई प्रमुख शिक्षण संस्थान अरवल जिले में मौजूद हैं। अरवल जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का हैं, जो उच्च स्तर पर उगाई जाती हैं। जिले का अधिकांश भाग सोन नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अरवल जिले में कुल 5 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें शामिल अरवल, कलेर, करपी, कुर्था, सोनभद्र, बंसी, सूर्यपुर हैं। और जिले में 13 पुलिस स्टेशन, 5 ब्लॉक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 65 और कुल गांव 335 हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से अलवर जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग जिले का सबसे करीबी व सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन व जहानाबाद रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन का कोड GSD है। यहाँ से कई प्रमुख एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ राज्य व देश के बड़े बड़े शहरों को जाती हैं। सड़क मार्ग इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 139 गुजरती है, जो आगे चलकर राज्य व देश के बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है। हवाई मार्ग वैसे तो अरवल जिले में कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, परंतु जिले का सबसे करीबी हवाई अड्डा वह जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, जो कि पटना शहर में मौजूद है। यह हवाई अड्डा अपने हवाई मार्ग के द्वारा देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अरवल जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आइए दोस्तों, इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में रूबरू करवाते हैं। मखदूम शाह का मजार, यह मजार जिले का प्रमुख आस्था का केंद्र है। यह पवित्र स्थल जिले के मुख्यालय के सटे सोन नदी के तट पर स्थित है। 13वीं शताब्दी में मखदूम साहब यहाँ पर आकर रहने लगे थे। यहाँ की मान्यता है कि इस मजार पर चादर पोशी करने पर हर मुराद पूरी होती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का मंदिर, मधुश्रावा आश्रम जैसे कई प्रमुख पर्यटन स्थल अलवर जिले में मौजूद हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।